Please sit down. I am not yielding to you. I don't accept this from you. Please. Now, who will return back the lives of those 19 Muslim boys? What will happen? What will happen to them? What will happen to them? Who will bring back the lives of those people? And one thing that has to be understood over here, this so-called facade, that harassment of Muslims or Christians will only take place where you don't have secular government. I don't agree with that concept, that notion. This is a well-planned program by all those forces who are hell-bent on dividing India. I would like to request my friends over here that power is not eternal. Today it is UPA, tomorrow it can be you, which I don't want you to be, but it is not eternal. But what will be left of India, I say, if we continue with this politics of hatred, divisiveness, where you antagonize the whole one Muslim community, one Christian community, what will happen? It is you who are sowing the seeds of terrorism, it is not me, by your hate propaganda. And how is it, Mr. Honorable Home Minister, that after a bomb blast takes place in Hyderabad, within 10-15 minutes, your agencies have their blue-eyed boys in all national newspapers, in all TV channels, immediately. Muslims are responsible. Muslims are responsible. Muslim areas have become a heaven of terrorists. Why can't you stop this, I say? This is a UPA government. This is a government led by Manmohan Singh. This is not a government led by Atal Bihari Vajpayee. This is what जिन लोगों ने शर्मा साहब को मारा, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहेंगे कि उनको सुसूली पर छड़ाओ, वरना बीच चौरास्ते पर रखकर खान इजाजत देगा तो गोली मारो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये मुतालिबा करता हूं कि बाटला हाउस के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको कौन देता है कि मुझे मेरी वफादारी पर शक करे? क्या कानून को पासोलियाज आप नहीं रखेंगे? क्या कानून को फॉलो नहीं करेंगे? आप जो कहेंगे वो सच, हम जो कहेंगे झूठ। स्वामी लक्ष्मणंदा स्वामी को मारने वाले मॉरिस थे, आप करें क्रिश्चियन। मुसलमान मारे तो इंडियन मुजाहिदीन, यानी क्रिश्चियन मॉरिस्ट हो गए, मुसलमान इंडियन मुजाहिदीन हो गए, ISI हो गए। ये कब तक चलेगा? इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले आपका एक काम करना है कि आप अपने एजेंसीज में, चाहे वो सेंट्रल IB हो, बड़े बड़े अहदों पर सेकुलर जहन रखने वाला अफसर को लाइए। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल पर हम पाबंदी इसलिए आयत नहीं कर सकते क्योंकि बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या यह मनमोहन सिंह की सोच है? क्या यह UPA की सोच है? मैं जानना चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए हमको। हिंदुस्तान का मुसलमान जानना चाहता है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयत नहीं करनी चाहिए, तो फिर 2002 के इंतखाबात के बाद मुसलमानों के सौ पर इख्तदार मिला आपको, और आपका एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल को पाबंदी आयत नहीं करनी चाहिए। 6 मुसलमानों को जिंदा जला के मार दिए आदिलाबाद में, मैं जाकर लाशों उठा, हिंदू वाहिनी के लोग। और आपकी हुकूमत सोच रहे तेलंगाना बनाने के लिए, अभी तेलंगाना नहीं बना तो हमारे जानों को मार के जिंदा जलाया जा रहा है। क्या तेलंगाना बनाकर हमको उन लोगों के हाथों में छोड़ देंगे लड़ते हुए? और याद रखिए, अगर तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ मिजाज होगा, सियासी तौर पर विषय पर आइए, विषय से बाहर। अगर तेलंगाना बनाएंगे यकीनन मुसलमान, विषय से बाहर है आप। लोग हैं 20 किलोमीटर दूर है तेलंगाना, अलग मामला है। गया कंट्री कांग्रेस का, आप तक गया वहां पर मुसलमान हमला हुआ, यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें करते। बैठ जाइए, अरे यहाँ बैठ जाइए, आपको क्या मालूम, शुमार क्या मालूम, कोई जान खुशा नहीं। अहम बात हम ये बोलना चाह रहे हैं, अहम बात ये बोलना चाहिए, लास्ट इसी भी लास्ट। क्या है तेलंगाना बना तो इनकी सीट में लास्ट लाइन, इनको अपनी टिकट की पड़ी है, मुझे अपनी जान की पड़ेगी, मुझे अपने मुस्तकबिल की पड़ेगी। आखिरी बात स्पीकर साहब, गुजरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 6.5 साल से गोधरा के जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया जेलों में जिंदगी गुजार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटा नहीं लगा सकता। होम मिनिस्टर साहब, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नानावती के कमीशन के जो कंक्लूजन थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं, उन पर पोटा नहीं लगाया जा सकता। तो आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मुझे बताइए। हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप उन लोगों पर पोटा नहीं लगने देंगे
आखिर में हम आखिरी आपसे मुतालबा कर रहे हैं सर कि यूपीए की हुकूमत को यह साफ तरीका नहीं चलने वाला, आप उसूल की बुनियाद पर इंसाफ करिए हमसे, वरना हिंदुस्तान का जो नौजवान मुसलमान है यकीनन मायूस हो रहा है, सिस्टम से उसका एतमाद हट रहा है। इसके बावजूद भी वो उम्मीद करता है कि ऐसे जगहों से, इस ऐवान से, हिंदुस्तान के तमाम जस्टिसों से हमको उम्मीद है इंसाफ की। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा कि यकीनन इन तमाम चीजों में साफ आओगा, अगर ये ऐवान, ये गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहां से मिलेगा हमको इंसाफ? तो इंसाफ करिए, जो जानो माल पर हमला शुरू किए, और आप सिर्फ इंसाफ करने से ही, दिलों को, दिमागों को साफ करने से ही इंसाफ क्या